भारतीय सेना ने कहा, भारत एलएसी पर सेनाओं को पीछे हटाने, स्थिति को सामान्य करने के लिए प्रतिबद्ध, लेकिन चीन आगे बढ़ने के लिए उत्तेजक गतिविधियां कर रहा है। भारतीय सेना ने एलएसी पार नहीं की। देश में 77.65% हुआ कोरोना का रिकवरी रेट। देश में 42,80,423 कोरोना के मामले, 8,83,697 कोरोना के एक्टिव केस, अभी तक 33,23,951 कोरोना मरीज ठीक। कांग्रेस संसदीय रणनीति ग्रुप की हुई बैठक, राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में विपक्ष की ओर से खड़ा किया जाएगा उम्मीदवार। पंजाब में कथित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाले में केंद्र ने गठित की 3 सदस्य कमेटी, 1 महीने में कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। पंजाब सरकार पर अकाली दल ने बड़ा निशाना साधा, पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा बोले, कैप्टन सरकार ने खोई अपनी विश्वसनीयता, कहा कोरोना काल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में फेल साबित हुई प्रदेश सरकार, कहा सिर्फ वाहवाही के लिए गलत फैसले। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के पूर्व डीजीपी सुमेध सैनी को बड़ा झटका दिया, बलवंत मुल्तानी मामले में हाईकोर्ट ने सुमेध सैनी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, प्रतिबंधित सिख संगठन के लिंक होने के मामले में 2 आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू और हरदीप सिंह निज्जर की संपत्ति होगी जब्त। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में सिख संगठनों ने जम्मू कश्मीर के भाषा बिल 2020 का किया विरोध, जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को मूल भाषा में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सिख संगठनों ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। हिमाचल विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हुई नारेबाजी, नियम 67 के तहत चर्चा में विपक्ष ने प्रदेश में आर्थिकी आपदा के लिए सरकार को ठहराया जिम्मेदार, CM तक से मांगा इस्तीफा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का पलटवार, बोले विपक्ष ने निराश किया, कोरोना काल में देने चाहिए थे अच्छे सुझाव, लेकिन विपक्ष सिर्फ राजनीति पर उतरा है। सदन से सड़क तक सरकार के खिलाफ हिमाचल कांग्रेस का हल्ला बोल, शिमला के चौड़ा मैदान में किया सरकार की नीतियों का विरोध, विधानसभा घेराव की भी कोशिश, सरकार को हर मोर्चे पर बताया फेल। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष विपिन परमार की सभी विधायकों और मंत्रियों से अपील, कहा अगर खुद में कोरोना के थोड़े लक्षण भी महसूस हों तो ना आए विधानसभा, फौरन खुद को करें होम क्वारंटीन। हिमाचल प्रदेश में चिंतपूर्णी मंदिर में दर्शन के लिए जिला प्रशासन ने जारी किए दिशा निर्देश, 1 दिन में 500 श्रद्धालु ही कर सकेंगे दर्शन, गर्भगृह में 1 समय में सिर्फ 2 पुजारी बैठेंगे। अभिनेत्री कंगना रनौत की सुरक्षा पर बोले हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कहा शिवसेना की नाराजगी से हमारा कोई लेना देना नहीं, परिवार के आग्रह पर कंगना को सुरक्षा मुहैया कराना हमारी जिम्मेदारी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर ड्रग्स केस में NCB ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को किया गिरफ्तार।